नहीं, पढ़ाई तो अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी एक जब से ये सब हुआ है ट्यूजडे से, उससे उस दिन से लड़के जो हैं तो चले गए वहाँ बरेली उर्स में, अब वापस अभी न्यूज़ वगैरह देख करके या पेपर वगैरह देख करके अब जो हैं अभी तक 5-7-10 आए होंगे, और वो भी जो हैं एक आध उसमें भी चले गए, जब होगा ठीक तब आएंगे। तो कौन कौन यहाँ पे आ रहा है रोज, क्या पुलिस आ रही है या कोई जांच एजेंसी भी आ रही है? उनके आने से कोई तकलीफ होती है क्या? कोई तकलीफ क्या है? क्या करते हैं वो लोग आते हैं? अपना क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं, उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। आज कोई आया था? आज तो वही पीडीओ वाले आए हैं और आप लोग आए। अगर कुछ नया हो रहा है क्या मदरसे में, कुछ कैमरे? हाँ, कैमरे चारों तरफ लगाए जा रहे हैं सिक्योरिटी। क्या वजह कैमरे लगाने की? अब वजह कहाँ पे कौन आता है हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ये जानने के लिए ऐसा किया जाए। नाम बताइए अपना। मोहम्मद अतीक। क्या करते हैं? मैं यहाँ क्लर्क हूँ जी। इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग की पढ़ाई में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, और जो पुलिस आ जा रही है तो वहाँ जो मेन ऑफिस है उसमें उन लोग आती जाती है, पूछताछ करती हैं और वगैरह वगैरह वीडियो बना के ले जाते हैं और ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं सब। अच्छा, जब पता चला तो कैसा क्या लगा कि आज ये कैसे हो गया, क्या कुछ पता? हम लोग में जा रहा था उसमें बरेली शरीफ, तो कुछ पुलिस आए तो हम लोग को रोक दिए, बोल कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो हम लोग को पता नहीं था ये सब मामला, तो फिर हम लोग को सब रोक दिए, गेट बंद कर दिया गया, तो बोले बैग चेक कराओ, तो हम लोग बैग अपना चेक करवाए थे, तो फिर जब बैग में कुछ नहीं मिला तो बोले ठीक है जाओ, तो पता चला ये लड़का इस तरह से कांड किया है, तो इस और हम लोग को इल्म नहीं इसके बारे में। अच्छा, कुछ किताबें भी मिल रही हैं यहाँ से और उस तरह से उसको देख रहे हैं, और क्या ATM भी यहाँ पे आई? ये किताब यहाँ पढ़ाई नहीं जाती है, पता नहीं ये किताब कहाँ से मिली है ना मिली है, और ये इस किस्म की किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है। देखिए, कोई भी जांच आ रही है या मीडिया वाले आ रहे हैं तो उनसे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं है, बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, पढ़ाई उसी तरह चल रही है और बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई भी जांच आती है तो ऑफिस में आती है और ऑफिस में जो पूछताछ किया जाता है उसका जवाब दिया जाता है। कुछ आप उससे भी कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है? देखिए, हम तो यहाँ देख रेख का काम करते हैं और बाकी जो जाँचें आती हैं या पुलिस वाले हों कोई भी हो, अगर कुछ आता है कोई आते हैं तो जो भी सवाल करते हैं उसका जवाब दिया जाता है, और बाकी यहाँ बच्चों को कोई तकलीफ नहीं। एक किताब भी यहाँ से मिली है जिसमें RSS के बारे में कई चीज़ें लिखी गई हैं, तो क्या ऐसी किताबें यहाँ पढ़ाई जाती हैं या ये उसके रूम से? नहीं, ऐसी कोई किताब यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है, और वो किताब वो जो मास्टर माइंड जिसको अब्दुलज़ाहिर बता रहे हैं वो अगर रखता रहा हो तो उसके बारे में हमें इल्म नहीं, हमें पता नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आप यहाँ कई सालों से, तो क्या उससे कभी कोई ताल्लुकात उसको जानते थे या कैसे क्या व्यवहार था उसका? नहीं, हम तो यहाँ सन 2012 से हैं, अब उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। वो यहाँ पढ़ा, पढ़ने के बाद आलिम का कोर्स किया, उसके बाद फारिग हो गया, फरागत के बाद वो चला गया, फिर अपना कई कारोबार करता रहा, फिर प्रिंसिपल साहब से उनका क्या ताल्लुकात था, वो रीशन के थे या क्या थे, कैसा ताल्लुक था वो हमें नहीं पता। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो मौलवी बनने वाला था कुछ ही दिनों में, तो किस तरह से ऐसा आप लोग पर्सनली कैसे देखते हैं इस बात को, कि क्या ये ठीक किया उसने या गलत किया? नहीं, ठीक तो नहीं किया उसने, गलत किया, अगर ऐसा किया तो बहुत गलत हुआ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रजा है। पढ़ाई में तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो एजेंसी आ रही हैं वो अपना दफ्तर में रहती हैं और इधर उधर की वीडियो अपना बनाती हैं, पूछताछ करती हैं, वो चली जाती हैं, और बाकी हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो बच्चे पकड़े गए थे, किस आप लोग का कोई उनसे ताल्लुक था? नहीं, हम लोग का किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था, और वो जो पकड़े गए हैं वो तो दो बाहर ही के हैं, यहाँ पे वो कभी नहीं आए हैं, ना पढ़े हैं, ना यहाँ उनका आना जाना ताल्लुक भी नहीं था। अब्दुलज़ाहिर नाम का जो लड़का है वो कभी आता जाता था, पहले तो वो रूम बाहर ही लेके रहता था, कुछ दिन से यहाँ मतलब आने जाने लगा, ताल्लुक था, पहले भी आता था लेकिन बाहर ही रहता था, यहाँ नहीं रहता था, और कुछ दिन से यहाँ रहने लगा है, तो अपना कोई ज़रूरी चीज़ होती थी तो आना जाना उसका ऊपर रहता था, अब क्या अंदर रखा है क्या नहीं ये किसी को नहीं मालूम था। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई ठीक है, अभी थोड़ा बच्चे कम है इसलिए थोड़ा अपने से हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, बच्चे आ जाएंगे फिर पढ़ाई अच्छे से होने लगेगी। अच्छा, कोई किताब भी मिली थी किस तरह से उसको आप लोग जानते हैं, क्या ये पढ़ाया जाता था या नहीं? नहीं, वो जो किताब है उसके बारे में हम लोग को कुछ इल्म नहीं है, और उस तरह की किताबें कोई पढ़ाई भी नहीं जाती हैं।
अब वो जो लड़का है, अब जाहिर अगर वो रखा हो या और कोई लाया हो तो इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। अरमान अली।